हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज मैं सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल लेकर आई हूँ फॉर दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि बहुत बच्चों ने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या बहुत ही धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास 4 मंथ्स बचा है दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए, तो आप अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई भी कर लें फिर हमारा प्लस रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीएस के एग्ज़ाम में आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, तो मैं आपके लिए वही शेड्यूल लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी भी कर लोगे और 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम 22 के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोई एक मॉड्यूल देना है, मतलब मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 में से जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं अपना एग्जाम देना, उनके लिए ये शेड्यूल है। बहुत ही अच्छा शेड्यूल है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपका अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त आपके पास टोटल 31 डेज है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल दे रहा है वो कंपनी लॉ और जो सेकंड मॉड्यूल दे रहा है वो SLC है। ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड पेपर होता है, तो आप सबसे पहले इसको ही प्रिफर करो, बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। 31 डेज पूरा 1 मंथ कम नहीं होता है, आप आराम से अपने हार्ड पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप अपने पूरे अगस्त के मंथ में कंपनी लॉ या SLCM, ठीक है, जो बच्चे जो मॉड्यूल दे रहे हैं वो आप अपना 31 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है, पहली बार। अब सेकेंड आता है अगस्त के बाद सेप्टेम्बर, 1 सेप्टेम्बर से लेकर 30 सेप्टेम्बर, ठीक है, आपके पास फिर 1 मंथ है, आपके पास 30 डेज का टाइम है। अब फर्स्ट मॉड्यूल वालों के लिए टैक्स और सेकेंड मॉड्यूल वालों के लिए EBCM, ये भी थोड़ा हार्ड होता है आपके लिए, तो इसके लिए भी मैंने आपको 30 डेज का टाइम दिया है कि आप 30 डेज में एकदम कंप्लीट अपना टैक्स का या EBCM का, जो बच्चे जो प्रिफर कर रहे हैं पूरा अपना 30 डेज में आप कंप्लीट कर लो। बिल्कुल आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है, आप इतने टाइम में तो अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कंप्लीट कर ही लोगे, तो 30 डेज का टाइम में आप टैक्स या EBCM कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर ये तो आपका हो गया, फिर अब आपका आता है अक्टूबर, ठीक है। अब आता है अक्टूबर में आपके पास 15 डेज का आप डिवाइड करो, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट मॉड्यूल वालों के लिए GHL और SBEC बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और सेकेंड मॉड्यूल वालों के लिए FSM और CMA, ये क्योंकि थोड़ा MCQ होता है और थोड़ा 12th बेसिस पे आपका CMA हो जाता है अकाउंटिंग वाला पोर्सन, तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप 15 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 15 डेज में अपना कंप्लीट करो GHL या फिर जो FSM दे रहे हैं, और 15 डेज 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 15 डेज में आप अपना SBEC या CMA जो जो एग्ज़ाम प्रेफर दे रहा है अपना, ठीक है, वो अपना 15 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। तो 15 डेज के हिसाब से आप अपना डिवाइड कर लो, और GHL और SBEC और FSM या CMA जो बच्चे जो सा मॉड्यूल दे रहे हैं वो अपना 15 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये आप देखो 3 मंथ में ही आप लोग अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली, अगस्त सितंबर और अक्टूबर आपने अपना जो है एक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया, ये तो हो गया आपका स्टडी का टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ रिवीजन, ये देखिए अब आपको 2 बार रिवीजन करना है, तो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा वो आपका नवंबर से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर आपका पहला रिवीजन होगा, 8 डेज का आपके पास टाइम है। तो जो आपने कंपनी लॉ या जो SLCM आपने जो पढ़ा है आप उसका 8 डेज में रिवीजन करो, ठीक है। फिर आप 9 नवंबर से लेके 16 नवंबर फिर आपके पास 8 डेज का टाइम है, आपने जो टैक्स या जो EBCM पढ़ा है आप उसका 8 डेज में पूरा कंप्लीटली रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर और 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर 7 डेज का डेज आपका डिवाइड होता है, तो 7 डेज में GHL या FSM का रिवीजन और 7 डेज में SBEC या CMA का रिवीजन आप कंप्लीट करो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप अपने 1 मंथ में 15 डेज में अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार स्टडी कर लेते हो तो आपको रिवीजन का जो आपका टाइम होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने कंपनी लॉ या SLCM पढ़ा है तो आप 8 डेज में नवंबर में अपना 8 डेज में ये कंप्लीट करो, सेकेंड फिर जो टैक्स या EBCL है उसको 8 डेज में कंप्लीट करो, फिर GHL और FSM को 7 डेज में कंप्लीट करो, और SBEC या जो CMA दे रहे हैं वो अपना 7 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। बहुत ही इजीली आपका ये रिवीजन 1 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये नवंबर में आपका पूरा 1 मंथ का रिवीजन हो गया कंप्लीट। अब आपको पता ही होगा कि 21 दिसंबर से
ठीक है, सीएस का एग्जाम जो है स्टार्ट होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास अब 20 डेज और लेफ्ट है, आप 20 डेज में अपना सेकेंड रिविजन कर सकते हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ाई अपनी लेट भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब आप अपना सेकेंड रिविजन करो, अब क्या है 5-5 डेज का लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप जितनी बार पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिविजन करोगे, आपका टाइम उतना ही कम लगेगा उसको रिवाइज करने में। अब आपका सेकेंड रिविजन आता है 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर, 5-5 डेज करो, ठीक है। अब 5 डेज में आप सबसे पहले रिविजन करोगे टेक्स या FSM का। ये मैंने क्यों बोला, ये सब मैंने आपको ऐसे ही नहीं दिया, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब मैंने खुद भी फॉलो किया हुआ है और उसी हिसाब से मैंने क्लियर किया है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही मैंने आपको कोई भी टाइम नहीं दिया है, ठीक है। और देखिए, मैंने अब आपको टेक्स और FSM पहले रिविजन क्यों बोला है, क्योंकि होता क्या है कि आपका 21 दिसंबर से आपका एग्जाम है। सबसे पहला जो पेपर होता है, फर्स्ट मॉड्यूल वालों का GIGL होता है और सेकंड मॉड्यूल वालों का SLCM होता है, तो उसका रिवीजन आप पहले ही दिसंबर में तो करोगे नहीं, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले तो रिवीजन करना ही है, तो वो रिवीजन जो है आप सबसे लास्ट में करो। क्योंकि क्या होगा, अगर 21 दिसंबर से आपका एग्जाम है, ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अगर आपका 21 दिसंबर से एग्जाम है और आप 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर, ठीक है, 16 से अगर आप 20 के बीच में 5 दिन का टाइम है, जिसका GIGL है वो GIGL, जिसका SLCM है वो SLCM, 5 डेज में अगर आप लास्ट में रिविजन करोगे और जब एग्जाम देने जाओगे, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और आप बहुत ही इजीली अपना एग्जाम दे पाओगे। इस वजह से मैंने बोला है कि जिसका सबसे पहला पेपर होता है वो सबसे लास्ट में आप रिविजन करो, सेकेंड रिविजन में, ठीक है, सबसे लास्ट में करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका GIGL SLCM के बाद पेपर आता है कंपनी लॉ, फर्स्ट मॉड्यूल वालों का और सेकेंड मॉड्यूल वालों का EBCL आता है, ठीक है। फिर अब आपके पास 5 डेज हो गया, ठीक है, तो अब आप इसके जो है रिवीजन करो 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है और थ्योरी पार्ट अगर आप लास्ट में पढ़ोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे, तो भी आपको भूलने के उतने चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। और वैसे भी 25 दिसंबर क्रिसमस होता है, तो आपको एक दिन का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब आप क्या करो कि 11 दिसंबर से 15 दिसंबर 5 डेज का टाइम है, आप कंपनी लो या EBCL में से जो है कोई एक अपना जो भी आपका पेपर है आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है अपना 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर को अब आपका थर्ड पेपर होता है SBEC, फर्स्ट मॉड्यूल वालों का CMA, सेकेंड मॉड्यूल वालों का, अब आपका 5 डेज का है, आप इसमें 5 डेज में अपना ये रिवीजन कर लो, ठीक है। और जब आपका लास्ट पेपर होता है वो होता है टेक्स या FSM का होता है, तो वो सबसे पहले आप रिवीजन कर लो, ठीक है। तो मतलब आप जो है रिवर्स जाओ, जो आपका सबसे लास्ट पेपर है दिसंबर, अपने सेकेंड रिवीजन में दिसंबर में सबसे पहले वो प्रैक्टिस करो। दोनों ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टेक्स और FSM, तो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप अपना प्रैक्टिस कर लो 5 डेज वो। फिर SBEC बहुत हार्ड नहीं पड़ता है, CMA ये भी MCQ पेपर है, तो 5 डेज 6 दिसंबर से 10 दिसंबर आप 5 डेज का वो रिविजन करो। 11th से 15th ये आपका ऑब्वियसली बात है हार्ड है और थ्योरी पोर्शन है, तो 5 डेज अब अपना कंपनी लो या EBCL ये रिविजन करो। देन उसके बाद सबसे लास्ट में आप 5 डेज में GIGL या SLCM ये रिविजन करो और 21 दिसंबर को अपना एग्जाम दो, ठीक है। 21 को GIGL और 22 को SLCM का अपना एग्जाम दो। तो अगर ये आज आपका जो है टाइम शेड्यूल था, बहुत ही अच्छा मैंने आपको ये चीज़ बताया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर लोगे, तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपने एक बार स्टडी की है, ठीक है, उसके बाद आपने 2 बार रिविज़न किया है अपना, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर आप अपना ये पढ़ोगे, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने क्या है कि डेज के हिसाब से आपको सब्जेक्ट भी बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हार्ड पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी पड़ेगा। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये टाइम शेड्यूल पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो अपना एग्ज़ाम दिसंबर 22 में बहुत ही ईजिली दे सकते, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, और हाँ मुझे कमेंट में बताना अगर आपको और भी कोई चीज़ जाननी है या मेरे थ्रू कुछ भी आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चीज़ें हैं आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो देखना, थैंक यू सो मच।